हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस कैल्क को लेकर के बना रहा हूँ। ओपन ऑफिस कैल्क में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है और ये जो फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। अब किस किस मामले में हेल्पफुल होगा ये तो देखने पे ही पता लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको, ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेट है। अब यहाँ पर डेट लिखी हुई है, यहाँ पर हम क्या करते हैं ऊपर एक रो इंसर्ट करा लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट। अब ये डेट लिखी हुई है। अब क्या जैसे कि एक्सेल में होता है, अच्छा देखिए एक चीज और यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट किधर की तरफ अलाइन है देख सकते हैं, लेफ्ट की तरफ अलाइन है। लेकिन ये डेट है तो डेट किधर की तरफ अलाइन है, तो डेट अलाइन है राइट की तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर डेट को और यहां पर मंथ को और यहां पर जो है ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए वही तरीका है, यहां पर आपको वो फंक्शन यूज करना है टेक्स्ट का। और ये ध्यान रखिएगा कि ये ओपन ऑफिस कैल्क है तो यहां पर कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है ठीक है। अगर आप यहां पे कॉमा लगा देंगे और आप डबेटेड कॉमा में यहां पे तीन बार एम लिखेंगे और सोचेंगे कि यहां पे हमारा आंसर आ जाए तो यहां पे एरर जनरेट कर देगा ये। तो एरर 508 आ गया है तो आपको एरर नहीं जनरेट करवाना है। तो यहां पर आपको कॉमा की जगह सेमी कॉलन देना होगा। तो ये सेमी कॉलन देके जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सबका मंथ बता देगा। आप यहाँ से खाली ड्रैग कर लीजिए तो ये सबका मंथ बताना शुरू कर देगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पर जाकर के और इसको ड्रैग करवा लीजिए बस। तो देखिए यहाँ पर छठवां महीना जून का है, तीसरा महीना मार्च का है, आठवां महीना अगस्त का है और नौवां महीना सितंबर का है और यहाँ पर भी वही आ रहा है। लेकिन मंथ के लिए, ये तो मंथ के लिए ना है लेकिन डे के लिए थोड़ी ना है। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमें डे ही पता करना है तो यहाँ पे वापस आते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके फिर सेमी कॉलन देते हैं और यहाँ पर डबेटेड कॉमा के अंदर तीन बार डी लिखते हैं ठीक है। डबेटेड कॉमा के अंदर ही आपको लिखना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये डी लिख करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस दिन मंडे था और बाकी के दिनों में कौन सा दिन था आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा ठीक है। और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है, गलत नहीं देता है ठीक है। और यहाँ पर वापस टेक्स्ट लगा लेते हैं तो ये टी टेक्स्ट किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और फिर सेमी कॉलन देके डबेटेड कॉमा में इस बार क्या देंगे, इस बार देंगे तीन बार एम। आप चार बार भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन तीन बार ही दीजिए, तीन बार देंगे सही रहेगा। एंटर कीजिएगा, चार बार देंगे तो शायद एरर आ जाए, कुछ ऐसा है क्या। तो यहाँ पे चार बार दे देते हैं, एंटर करते हैं तो आप देखिए चार बार देने पे भी ये एरर नहीं जनरेट करेगा और यहाँ पर ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है, पूरा नाम आ जाएगा, कहने का ये मतलब। अब ईयर की बात कर लेते हैं तो ईयर में भी वही टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर सेमीकोलन लगा के वाई 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 चार बार वाई प्रेस किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ईयर भी आपके सामने आ चुका है ठीक है। अब इसको ट्रैक करवा देंगे तो यहाँ पर ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे डे भी एक्सट्रैक्ट हो गया एक डेट से। तो है ना यूजफुल टेक्स्ट फंक्शन। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।